नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो होगी वो होगी गोरखपुर जंक्शन से जम्मू तवी तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ये वीडियो होगी वो होगी गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से जम्मू तवी तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोरखपुर से जम्मू तवी तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उस ट्रेन का नाम क्या है, नंबर क्या है, ट्रेन जो है गोरखपुर के कौन से प्लेटफॉर्म से कितने बजे कौन से दिन चलती है और उस ट्रेन में कौन से कोच हैं, वो कितनी यात्रा का डिस्टेंस जो है कवर करती है और उसकी एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे। गोरखपुर जंक्शन से जम्मू तवी के बीच में तकरीबन 6 ट्रेनें चलती हैं। 4 मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, 2 सुपरफास्ट ट्रेन है। सबसे सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो है मौर ध्वज सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 21 घंटे 45 मिनट पर अपनी जर्नी जो है कवर करती है। और सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है गुवाहाटी जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस, जो कि 23 घंटे 5 मिनट पर अपनी जर्नी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं गोरखपुर से जम्मू तवी तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। गोरखपुर से जम्मू तवी के बीच में जो सबसे पहली और सबसे स्लोएस्ट ट्रेन कह सकते हैं वो है गुवाहाटी जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15653। ये जो ट्रेन है हर बृहस्पतिवार को दोपहर के 1:55 पे गोरखपुर जंक्शन से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 23 घंटे 5 मिनट बाद ये ट्रेन जो है जम्मू तवी में दोपहर के 1:03 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं और इसका ट्रेन नंबर है 15653। 1247 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 54 किलोमीटर पर आवर। इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। वैसे ये ट्रेन जो है गुवाहाटी से जम्मू तवी के बीच में चलती है, बट इस वीडियो में हम गोरखपुर से जम्मू तवी तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद गोरखपुर को जम्मू तवी से कनेक्ट करने वाली जो अगली ट्रेन है वो है भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 15097। ये जो ट्रेन है गोरखपुर जंक्शन से हर शुक्रवार को दोपहर के 1:55 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 23 घंटे 5 मिनट बाद जम्मू तवी में दोपहर के 1 बजे अगले दिन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। यहाँ से आगे नहीं जाती और इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं और 1247 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 54 किलोमीटर पर आवर। कोचेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इस फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपको डायरेक्टली ट्रेन में पे करने होते हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है लोहित एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15651। गोरखपुर जंक्शन से हर मंगलवार को दोपहर के 1:55 पे ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 23 घंटे 5 मिनट बाद दोपहर के 1 बजे अगले दिन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जम्मू तवी में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं, 1247 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 54 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है और ये जो ट्रेन है वैसे गुवाहाटी से जम्मू तवी के बीच में चलती है, बट हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं गोरखपुर से जम्मू तवी तक की बात कर रहे हैं। गोरखपुर से जम्मू तवी तक जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है मौर ध्वज एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12491। ये जो ट्रेन है गोरखपुर जंक्शन से हर इतवार को दोपहर के 2 बजे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21 घंटे 45 मिनट बाद अगले दिन सोमवार को सुबह 11:45 पे जम्मू तवी में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं और 1215 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 56 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है जो कि गोरखपुर से जम्मू तवी से कनेक्ट करती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है गोरखपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12587। ये जो ट्रेन है गोरखपुर जंक्शन से ही स्टार्ट होती है। हर सोमवार को दोपहर के 2:20 पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22:40 बाद ये ट्रेन जो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 1 बजे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं।
1247 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये ट्रेन सुपरफास्ट है और आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा। और इसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करती है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद गोरखपुर को जम्मू तवी से कनेक्ट करने वाली जो आखिरी ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है कामाख्या श्री माता वैष्णो देवी कटरा वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15655। हर सोमवार को गोरखपुर जंक्शन से दोपहर के 2:40 पर यह एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22:05 बाद ये ट्रेन जो है जम्मू तवी में मंगलवार को दोपहर के 12:45 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुँचती है। और इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं, 1215 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है। दोस्तों, इसी के साथ गोरखपुर से जम्मू तवी तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोज़ बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।